Hello friends, welcome to Mashallah Great Changer. In this video, we'll be learning the second poem of class 10th, which is Mirror and is written by Sylvia Plath. काफी अच्छी poem है friends ये, बड़ा मजा आएगा इस poem को पढ़ने में. तो अपन start करते हैं poem Mirror. Friends, इस poem का जो narrator है वो Mirror है. Mirror आप सबको पता होगा, कांच को कहते हैं. तो इस poem का narrator Mirror है. Mirror को personify किया गया है और Mirror कहता है कि I am silver and exact. I have no preconceptions. मिरर कहता है कि मैं सिल्वर हूँ. सिल्वर क्यों है फ्रेंड? सिल्वर वर्ड मिरर अपने आप के लिए इसलिए यूज़ करता है कि जिस तरह से सिल्वर एकदम सिल्वर का सरफेस एकदम शाइनिंग शाइनिंग सरफेस होता है, सिल्वर भी इमेज फॉर्म करता है. तो और मिरर पे एक रीज़न और भी ये भी है कि मिरर पे सिल्वर की कोटिंग की जाती है जिससे मिरर अच्छा रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बनता है, अच्छी इमेज फॉर्म करता है. तो इसलिए वो मिरर सिल्वर कहता है अपने आप को. एंड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वो इसलिए कहता है फ्रेंड्स कि जिस तरह से मिरर किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट एकदम सेम टू सेम इमेज बनाता है. आप कोई भी चीज़ मिरर के सामने रख दो तो एग्जैक्ट जैसी की जैसी वो चीज़ है सेम टू सेम इमेज मिरर बनाता है. मतलब बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते हैं उस चीज़ में, ठीक है? ऐसा तो मतलब जैसी वो चीज़ है वैसे की वैसी इमेज मिरर उसकी फॉर्म करता है. तो इतना एक्यूरेट होता है मिरर इसलिए वो वर्ड एग्जैक्ट यूज़ करता है. आई हैव नो प्री कंसेप्शन, मिरर कहता है कि मैं मेरे पास कोई भी प्री कंसेप्शंस नहीं है. प्री कंसेप्शंस का मतलब होता है फ्रेंड्स प्री थॉट्स, कि ये अच्छा है या बुरा है किसी भी चीज़ के बारे में. प्री थॉट्स मतलब जैसे मिरर मिरर कहता है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में प्री थॉट्स नहीं रखता हूँ और जैसा वो है उसकी वैसे की वैसी इमेज फॉर्म करता हूँ. ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती तो मैं उसकी अच्छी इमेज फॉर्म करता हूँ या कोई चीज़ बुरी लगती तो उसकी बुरी इमेज फॉर्म करता हूँ, ऐसा नहीं. मैं हर चीज़ को हर मैं किसी भी चीज़ के बारे में प्री थॉट्स नहीं रखता हूँ और जैसी वो है वैसे की वैसी इमेज फॉर्म करता हूँ. वॉट एवर आई सी आई स्वेलो इमिडिएटली. स्वेलो का मतलब होता है फ्रेंड्स टू गल्प, मतलब निगलना, ठीक है? तो मिरर कहता है कि मैं जब भी किसी चीज़ को देखता हूँ उसको हाथों हाथ इमिडिएटली स्वेलो कर लेता हूँ. स्वेलो मतलब इसलिए स्वेलो वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि मिरर जो है इमेज ऐसा लगता है जब मिरर इमेज फॉर्म होता है ऐसा लगता है जैसे कि मिरर के अंदर इमेज फॉर्म हो रही है, मिरर ने वो इमेज को है निगल लिया है, इसलिए वर्ड स्वेलो यूज़ किया गया है, ठीक है? जस्ट एज इट इज़ अनमेस्टेड बाई लव और डिसलाइक. जस्ट एज इट इज़ मतलब कि जो भी चीज़ उसके सामने आएगी एज इट इज़ जैसी वो है वैसी की वैसी इमेज वो बनाता है. अनमेस्टेड बाई लव और डिसलाइक, अनमेस्टेड का मतलब होता है अनमिक्स्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को वो लव करता हो या किसी चीज़ को डिसलाइक करता हो तो वैसी इमेज फॉर्म करेगा कि किसी चीज़ मान लो मिरर को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसकी अच्छी इमेज फॉर्म करेगा या कोई चीज़ को वो डिसलाइक करता है उसको पसंद नहीं है तो वो बुरी इमेज फॉर्म करेगा, ऐसा नहीं करता है मिरर. एकदम अच्छी एज इट इज़ जैसे कि जैसी वो चीज़ है वैसी वैसी इमेज वो फॉर्म करता है. आई एम नॉट क्रूअल ओनली ट्रुथफुल, मिरर कहता है कि मैं क्रूअल नहीं हूँ. क्रूअल मतलब होता है कि निर्दय नहीं हूँ मेरे पास, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो है निर्दय हूँ, मैं क्रियोल हूँ, ऐसा नहीं है. मैं क्रियोल नहीं हूँ और मैं सिर्फ सच्चा हूँ, मैं सिर्फ सच्चा हूँ, ट्रुथफुल हूँ, ओके? द आई ऑफ अ लिटिल गॉड फोर कॉर्नर्ड, मिरर कहता है कि आई एम द आई ऑफ अ लिटिल गॉड. मिरर अपने आप को आई ऑफ अ लिटिल गॉड इसलिए कहता है फ्रेंड्स कि जिस तरह से गॉड जो है हर चीज़ को, जिस तरह से गॉड हर चीज़ मतलब गॉड का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं किसी भी इंसान से कि इसको मैं ज़्यादा है जो विश करूँगा, मतलब इसको ज़्यादा ऐसे ऐसे कभी गॉड जैसे गॉड डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं उसी तरह से मिरर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है. मिरर भी एज इट इज़ इमेज फॉर्म करता है और इसीलिए जो है आई ऑफ अ लिटिल गॉड वर्ड यहाँ पे आई ऑफ अ लिटिल गॉड मिरर अपने आप को कहता है क्योंकि जिस तरह से गॉड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं अपने लोगों में उसी तरह से मिरर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है एज इट इज़ इमेज फॉर्म करता है. और फोर कॉर्नर इसलिए कहा गया है कि मिरर जो है मिरर का जो शेप है वो मतलब वैसे तो अलग अलग शेप में आता है मिरर पर यहाँ पे जो मिरर है वो कहता है कि मैं फोर कॉर्नर्ड हूँ, मतलब उसके फोर कॉर्नर्स है, ओके? मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल, मिरर कहता है कि आई मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल. ऐसा इसलिए मेडिटेट का मतलब होता है टू थिंक डीपली. बेसिकली मेडिटेशन में लोग क्या करते हैं किसी चीज़ को लगातार देखते रहते हैं, तो इसलिए मिरर कहता है कि आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल क्योंकि भाई मिरर एक चीज़ एक जगह पे अगर रखा हुआ है तो उसकी जो अपोजिट वॉल होगी उसकी इमेज वो मोस्ट ऑफ द टाइम वही इमेज उस पर बनती रहेगी. ऐसा तो है नहीं कि अपन मिरर को एक बार रखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार उसको हटाते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह. अगर एक जगह पे उसको फिक्स रखा तो जो अपोजिट वॉल की इमेज होती है मोस्ट ऑफ टाइम वही बनती है. तो इसलिए मिरर कहता है कि ज़्यादातर मैं जो है जो मेरी अपोजिट वॉल है जो मेरे वॉल है जो मेरे सामने की साइड है
उस पे मैं मेडिटेट करता हूँ, उसको मैं देखता रहता हूँ, उसके बारे में सोचता रहता हूँ। इट इज पिंक विथ स्पेकल्स। मिरर कहता है कि उसका कलर कैसा है वॉल का, पिंक कलर की वॉल है वो और उस पे स्पेकल्स है। स्पेकल्स मतलब होता है मार्क्स, मतलब धब्बे निशान। तो वो कहता है कि उस वॉल का कलर पिंक है और उस पे दाग धब्बे आए हुए हैं। आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग। मिरर कहता है कि मैंने उसको बहुत लंबे टाइम तक देखा है। आई थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई हार्ट। और इसीलिए मिरर कहता है कि मुझे लगता है कि वो मेरे हार्ट का पार्ट बन चुकी है, मेरे दिल का पार्ट बन चुकी है, मतलब वो मेरा ही पार्ट बन चुकी है अब। बट इट फ्लिकर्स। फ्लिकर्स का मतलब होता है मूव दिस और डेट साइड, मतलब हिलना, ठीक है। पर ऐसा इसलिए कहता है मिरर क्योंकि फेसेस, जैसे यहाँ नेक्स्ट लाइन में अपन लिंक है इससे, फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर। मिरर कहता है बट इट फ्लिकर्स, मतलब जो वॉल है उसकी इमेज कभी कभी, मतलब ज्यादा तो उसी को देखता रहता है वॉल को, पर कभी कभी वो नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि फेसेस और डार्कनेस जब उनके बीच में आते हैं वॉल के और मिरर के, तब वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मिरर जो है वॉल को नहीं देख पाता है, क्योंकि जब भी फेसेस आते हैं मिरर के सामने तो वो फेस की इमेज फॉर्म करता है और वो वॉल को नहीं देख पाता है। और जब डार्कनेस आती है तब भी वो वॉल को नहीं देख पाता है, अंधेरे में वो वॉल को नहीं देख पाता है। और फेसेस और डार्कनेस उन दोनों को सेपरेट करते हैं, इसलिए मिरर कहता है कि इट फ्लिकर्स। नाउ आई एम अ लेक, अ वुमेन बेंड्स ओवर मी। मिरर कहता है कि अब मैं लेक हूँ, क्योंकि लेक भी होता है फ्रेंड्स। मिरर अब अपने आप को लेक मान रहा है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि मिरर अपने आप को लेक मान रहा है, क्योंकि जिस तरह से लेक होता है, लेक भी मिरर का ही काम करता है एक तरह से। मिरर लेक भी इमेज फॉर्म करता है और मिरर करता है वैसे की वैसी। तो मिरर कहता है कि अब मैं लेक हूँ। अ वुमेन बेंड्स ओवर मी, एक औरत है जो मेरे ऊपर झुक के अपनी इमेज को देखती है। सर्चिंग माई रीचिज फॉर वॉट शी रियली इज। मिरर कहता है कि वो मुझे बहुत डीप तक मुझे देखती है और मेरे अंदर देख के वो अपने आप की असली इमेज ढूंढ रही होती है, ठीक है। तो सर्चिंग माई रीचिज फॉर वॉट शी रियली, इसका मतलब हुआ कि जो वुमेन है वो मेरे रीचेस को, मेरे डेप्थ में एकदम अपनी असली इमेज को, जैसी वो दिखती है वैसी इमेज को वो सर्च करती है। ओके, देन शी टर्न्स टू दोज लायर्स, द कैंडल्स और द मून। अब यहाँ पे एक्चुअल में बात यह है कि जो वुमेन है वो बूढ़ी हो चुकी है, तो वो सर्च ये कर रही है कि देखो, जब वो वुमेन मतलब जब वो यंग थी, जब वो एक गर्ल थी, जब वो यंग गर्ल थी तब वो बहुत ब्यूटीफुल थी, और अब क्योंकि उसकी जो ब्यूटी है वो कम हो चुकी है, क्योंकि उसकी एज जो है वो ओल्ड हो गई है, एज में उसकी एज बढ़ गई है, जिस वजह से उसकी जो फेस है उसमें उतनी ब्यूटी नहीं रही और रिंकल्स वगैरह आ गए हैं। तो जिस वजह से जो वुमेन है वो लेक में है, अपनी असली इमेज जो पहले थी, जैसी पहली वो दिखती थी, वो इमेज को ढूंढने की कोशिश करती है। ओके, तो वो क्या सर्च करने की कोशिश करती है? अपनी ओल्ड इमेज, जब वो यंग थी। पर उसे वो इमेज नहीं मिल पाती है, क्योंकि मिरर तो लेक जो मिरर या लेक जो है एज इट इज इमेज फॉर्म करते हैं, जैसे वो चीज़ दिखती है। ओके, वो तो एग्जैक्ट है, पर वो नहीं इमेज मिलती है। तो वुमेन जो है वो लायर्स की हेल्प लेती है। यहाँ पे मिरर इन दो चीज़ों को, कैंडल्स को और मून को, लायर कह रहा है। लायर का मतलब होता है झूठे। तो मिरर कहता है कि कैंडल्स और जो मून है वो दोनों झूठे हैं, लायर्स हैं, और जो वुमेन है वो इन दोनों की हेल्प लेती है। देखो फ्रेंड्स, कैंडल और मून इसलिए यहाँ पे झूठे कहा गया है मिरर ने, क्योंकि कैंडल और मून की जो डिम लाइट होती है, उसमें जब वुमेन देखती है अपने आप को, तब उसके जो व्रिंकल्स है वो थोड़े लाइटन हो जाते हैं, और जो उसके व्रिंकल्स और जो भी उसकी जो मतलब ब्यूटी कम हो गई है फेस की, तो वो कवर हो जाते हैं व्रिंकल्स वगैरह, तो उसको अच्छा लगता है वुमेन को। तो ये एक कह सकते हैं कि इसीलिए मिरर ने इनको लायर कहा है, क्योंकि जो इनकी डिम लाइट होती है उसमें वुमेन जो है अपने व्रिंकल्स को वगैरह जो है उसके व्रिंकल्स वगैरह जो है ढंग से दिखते नहीं है, इसलिए वो खुश होती है लायर्स की हेल्प लेके। आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्ट इट फेथफुली। मिरर कहता है कि मैं उसको देखता हूँ और फेथफुली, फेथफुली मतलब विश्वास के साथ में, मतलब जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ में, मतलब उसका विश्वास नहीं तोड़ता हूँ। एज इट इज जैसी उसकी इमेज है वैसे की वैसी इमेज उसकी रिफ्लेक्ट करता हूँ। शी रिवॉर्ड्स मी विद टीयर्स एंड एन एजिटेशन ऑफ हैंड्स। मिरर कहता है कि वो मुझे रिवॉर्ड करती है, मतलब उसको रिवॉर्ड करती है, किस क्या चीज़ रिवॉर्ड करती है? टीयर्स और एजिटेशन ऑफ हैंड। एजिटेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ हैंड्स। तो
जब वो लेडी देखती है अपने ओल्ड फेस को, रिंकल्ड फेस को, तो उस ओल्ड लेडी को बहुत बुरा लगता है, वो सैड हो जाती है और उसको रोना आता है, शी हैड टीयर्स। तो और जो उसके हैंड्स है, वो हैंड्स का मूवमेंट करती है, एजिटेट होती है, ठीक है, उसको गुस्सा आता है, दुखी होती है वो। तो मिरर इस चीज़ को, वुमेन के इस बिहेवियर को जो है अपने अपना रिवॉर्ड मानता है। आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, शी कम्स एंड गोज। मिरर कहता है कि आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। और वो हमेशा, जब वो छोटी थी तब भी और अब भी, अब तक जो है, वो रोज है जो आती है और अपनी इमेज जो है देखती है और चली जाती है। ईच मॉर्निंग इट इज़ अ फेस दैट रिप्लेसिस द डार्कनेस। मिरर कहता है कि हर सुबह उसका फेस ही है जो डार्कनेस को रिप्लेस करता है। मतलब जो उसका, जब रात में जब डार्कनेस होती है, तो जब वापस मॉर्निंग होती है, तो डार्कनेस की जगह उसका फेस ले लेता है, क्योंकि सुबह सुबह जब वो अपना फेस देखने आती है, तो डार्कनेस की जगह उसका फेस ले लेता है, ठीक है। इन मी शी हैज ड्रॉन अ यंग गर्ल एंड इन मी एन ओल्ड वुमेन राइजेज टूवर्ड हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरेबल फिश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिरर जो है वो कहता है कि मेरे अंदर उसने एक यंग गर्ल जो है, ड्रोन का मतलब होता है डूबना या फिर यहाँ पे डिसअपियर होना, तो मिरर कहता है कि मेरे अंदर उसने एक यंग गर्ल को है जो डिसअपियर होते हुए देखा है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे यह है कि मेरे अंदर जो है वो यंग गर्ल से ओल्ड वुमेन में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो यंग गर्ल जो है वो धीमे धीमे डिसअपियर होती गई, और अब जो है एक ओल्ड वुमेन है जो उसकी तरफ राइज हो रही है। अब जो है वो ओल्ड वुमेन में धीमे धीमे कन्वर्ट हो रही है, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, लाइक अ टेरेबल फिश। टेरेबल फिश इसलिए कहा गया है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से टेरेबल का मतलब होता है डरी हुई, फियरफुल फिश। तो मिरर कहता है कि मेरे जो अब जो है मेरे अंदर से उसकी तरफ एक ओल्ड वुमेन जो है वो राइज हो रही है, अब वो ओल्ड वुमन में कन्वर्ट हो रही है। और जिस तरह से एक डरी हुई फिश होती है जब आप उसको पानी से बाहर निकालते हो, तो जिस तरह से वो फिश जो है पूरी अपना ट्राई करती है, वो फिश भी एकदम डरी हुई होती है और पूरा ट्राई करती है अपना, कि अपने आप को बचाने का ट्राई करती है, मूव करती है इधर से उधर, बहुत फास्ट मूवमेंट करती है। और उसी तरह से जो वुमेन भी है वो भी डरी हुई है, फियरफुल है, उसको पसंद नहीं आ रहा है उसका जो है बूढ़ापन और उसकी ब्यूटी का धीमे धीमे फेड होना। तो उसी तरह से टेरेबल फिश की तरह से वुमेन वुमेन भी जो है, यहाँ पे अपन ने देखा था एजिटेशन ऑफ हैंड्स से उसको रिवॉर्ड करती है, मतलब हैंड्स का मूवमेंट होता है और वो रोती है टीयर्स से। तो इसीलिए उसको टेरेबल फिश या टेरेबल फिश से कंपेयर किया गया है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वॉज दी पोयम अ मिरर। आई होप यू लाइक डिट। प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आई विल ट्राई टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।